एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए आज की ये जो वैकेंसी है इसके लिए न ही कोई फिजिकल होगा और न ही कोई रिटेन होगा, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तरह यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है। सिंपल सा एक प्रोसेस होगा, अगर उसमें आप पास हो जाते हैं तो आपको एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब मिल जाती है। आज की ये जो वैकेंसी है ये है स्पाइस जेट में ग्राउंड स्टाफ के लिए। ग्राउंड स्टाफ एयरलाइन के वो स्टाफ होते हैं जो कि एयरपोर्ट पे रहकर काम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ग्राउंड स्टाफ के अलावा भी और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कार्गो हुआ, केटरिंग हुआ, कैबिन अपीयरेंस हुआ या फिर इंजीनियरिंग टीम, लेकिन आज की ये वैकेंसी प्योरली है ग्राउंड स्टाफ के लिए, जिसमें वैकेंसी आ रखी है सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस दोनों डिपार्टमेंट के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वैकेंसी डिटेल को, और सबसे पहले बात करते हैं ये जो वैकेंसी है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये कि आपकी कम्युनिकेशन और आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। वैसे एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए ग्राउंड स्टाफ के लिए या फिर इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि हर महीने मैं एक ऑनलाइन कोर्स रन करता हूं जिसके थ्रू मैं लोगों को गाइड करता हूं। फी इसकी है 2500 यानी कि 2500 रुपए। ये जो कोर्स है ये मिनिमम 1 मंथ का है, जो कि थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि ये जो बैच है इसे थोड़ा सा और ट्रेनिंग देने की जरूरत है तो इसी फी में यानी कि 2500 रुपए में ही मैं आपको जो एडिशनल ट्रेनिंग्स हैं वो प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे आप लिखिए, हाँ मैं कोर्स करना चाहता हूँ और यस आई वॉन्ट टू डू दिस कोर्स। और दोबारा से बैक आते हैं हम आज की ये जो वैकेंसी है उसके अपडेट के बारे में। तो जैसा मैंने बताया, ये जो वैकेंसी है इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम ग्रेजुएशन। एज की बात करें तो 18 to 27 years यानी कि 18 साल से लेकर 27 साल। इंग्लिश हिंदी में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश आपकी इतनी अच्छी जरूर होनी चाहिए कि जब आपसे कुछ पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। बात करें एक्सपीरियंस की तो यहाँ पर जो वैकेंसी का अपडेट आया है उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इस वैकेंसी में जाएं, इंटरव्यू में अपीयर होइए, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मिलता है, एक अलग ही दुनिया दिखती है, बहुत सारी चीजें जो कि मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से नहीं समझा सकता आप वहां जाकर समझ सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए वो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है और एबसेक और स्क्रीनर का सर्टिफिकेशन है वो इस वैकेंसी के लिए ज्यादा एलिजिबल हैं, यानी कि उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन वहीं आपके पास अगर टेक्निकल डिग्री है, फॉर एग्जांपल बीई, बीटेक या फिर एएमई क्वालिफाइड हैं, तो यहां पर आपको कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाद में जब आपको अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब मिलती है तो डेफिनेटली आप वहां पर जाएंगे। तो एयरलाइन ऐसे कैंडिडेट्स को यहां पर प्रेफर नहीं करती है। एक बात ध्यान देने की है, इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं तो वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आपको डिटेल दिख रहा है, डेट टाइम प्लेस एड्रेस, यहां पर आपको चले जाना है पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू की तैयारी करके। बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं इन्हें अपने साथ जरूर कैरी कर लीजिएगा। वहीं बात करें अगर इंटरव्यू की तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए जैसा मैंने बताया आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे मुझे मैसेज कीजिए और कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, और नहीं तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए नीचे वाले वीडियो को और एयरलाइन एयरपोर्ट के लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट को जानने के लिए ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।